Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmad. I am here to teach you biology for grade 12. We are going to discuss chapter number 23 and the topic of discussion is PCR. Students, ये तो आप जानते हैं कि आपने जब भी कोई कोविड टेस्ट करवाया है या इस तरह से कोई मतलब टेस्ट करवाते हैं वायरल डिजीज़ को डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए, तो उसके लिए हम पीसीआर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। पीसीआर का मेनली मकसद क्या है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन है उसको हम बहुत सी कॉपीज बना देते हैं, उन कॉपीज को फिर हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पज। अब पीसीआर कैसे है, किस तरह से है, प्रोसेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी पीसीआर। यू नो दैट हम इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, द मेन टॉपिक वाज क्लोनिंग ऑफ अ जीन। क्लोनिंग ऑफ अ जीन, हम एक जीन की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना चाहते थे। इसके लिए हमने टू मेथड्स यूटिलाइज किए, द वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड द अदर वन इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। And now we are going to study polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Student, ये जो polymerase chain reaction है इसको in shorts PCR के नाम से mention करते हैं। Almost मेरे ख्याल में everyone know that what is PCR. एक हम ये कोविड-19 का जो टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो पीसीआर परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल सेम वही पीसीआर हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। बेसिकली हमने समझना है कि पीसीआर है क्या चीज़, किस तरह से है, कैसे है। तो एक साइंटिस्ट है कैरी बी मुलस, साइंटिस्ट का नाम है कैरी बैंक मुलस है, बैंक मुलस। इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया केमिस्ट्री के अंदर। इसने पीसीआर को डिस्कवर किया 1983 के अंदर। देखिए, जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड था जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओल्ड मेथड जो था, दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ये टाइम कंज्यूमिंग था और दूसरा हम कहते हैं एक्सपेंसिव था। लेकिन उसके बाद फिर हमने एक पीसीआर डेवलप किया, यानी कि साइंटिस्ट ने पीसीआर डेवलप किया। इस साइंटिस्ट ने जब पीसीआर डेवलप किया तो इसने कहा कि हम मिलियंस ऑफ कॉपीज इन अ लेबोरेटरी और बहुत जल्दी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक मिलियंस ऑफ अ कॉपी, मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो बना सकते हैं वेरी क्विकली इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, इसने ये भी कहा कि वी कैन टारगेट हम टारगेट कर सकते हैं अ पार्ट ऑफ अ मिलियंस ऑफ द टोटल डीएनए। वी कैन टारगेट डीएनए, हम डीएनए टारगेट कर सकते हैं अ पार्ट ऑफ मिलियन, अ पार्ट ऑफ मिलियन मिलियन in total of total DNA, of total DNA, यानी कि total DNA का एक millionth part, थोड़ा सा हिस्सा हम उसको टारगेट करके उसकी millions of copies जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पूरे total DNA का million part यानी कि छोटा सा हिस्सा होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। टारगेट करने के बाद फिर हम उसकी मल्टीपल क्या बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, पीसीआर तो हमने डिस्कवर कर लिया। क्वेश्चन इज दैट कि ये हम किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो वो भी बता चुका हूँ। अब हमने ये देखना है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं, मतलब कि व्हाट इट नीडेड, इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट, इसमें हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट आर पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी कॉपीड। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं या फिर वो डीएनए कह सकते हैं व्हिच इज गोइंग टू बी कॉपीड, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड, हमने कहा कि डीएनए बनाने के लिए हमें बेसिकली डीएनटीपीज रिक्वायर्ड होती हैं। डीएनटीपीज का मतलब यह होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट, ये रिक्वायर्ड होता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बेसिकली है क्या चीज़? ये चार तरह की होती हैं, हम कहते हैं दीज आर डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी कोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये हमें चार टाइप्स की डीएनटीपीज रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं तो डीएनए बना सकें। स्टूडेंट, ये तो हमारे दो रिक्वायरमेंट हो गई। सेकेंड, हमें बफर चाहिए होता है, पीसीआर बफर हम उसे कहते हैं। पीसीआर बफर ये वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम अपने सैंपल को रखते हैं और उसकी फिर आगे क्या बनती हैं, कॉपीज बनती हैं। पीसीआर बफर चाहिए जिसके अंदर हम उसको रखते हैं। अब इसके लिए हमें प्राइमर भी रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइमर से पहले तो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होगा ना, जो इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएगा, एंड दैट एंजाइम नेम्ड एज टैक पॉलीमरेज, यानी कि टैक डीएनए पॉलीमरेज हमसे कहते हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट, ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। ये क्या करवाता है, पॉलीमराइजेशन जो है वो करवाता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को क्या करना, ऐड करना, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, ये इसका बेसिकली काम होता है। तो इसलिए हम इसे पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीमराइजेशन एंजाइम होता है दैट इज थर्मोस्टेबल, इसे हम कह सकते हैं ये थर्मोस्टेबल होता है। हीट इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर कह सकते हैं। इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से देखा जाए तो दैट इज इनसेंसिटिव, ये इनसेंसिटिव होता है। स्टूडेंट, ये जो इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर है इसको हम थर्मोस्टेबल कहते हैं, और इसकी वजह ये है कि दैट कैन रिमेन कांस्टेंट और कैन वर्क इन अप टू 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो तो उसमें भी ये आसानी से काम कर सकता है। इट हैज़ एबिलिटी, ये इसके अंदर क्या मौजूद होती है, एबिलिटी मौजूद होती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऐसा क्यों है, वाई वी आर गोइंग टू से दिस वन, कि ये इस तरह का होता है। तो टैक पॉलीमरेज जो होता है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ थर्मोफाइल बैक्टीरिया, ये एक हम कह सकते हैं थर्मोफाइल आर्कियोबैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। थर्मोफाइल आर्कियोबैक्टीरिया से इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। थर्मोफाइल का मतलब होता है जो कि हीट लवर होते हैं, टेम्परेचर के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करते हैं, और ये आर्कियोबैक्टीरिया है दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स, जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर क्या करता है, सर्वाइव करता है। आप ऐसे कह सकते हैं एंशियंट बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस ये इसका नाम है। तो ये थर्मस एक्वाटिकस साइंटिफिक नेम है इस बैक्टीरिया का। सो इसलिए इसका पहला लेटर जो है यू नो दैट दैट इज ऑफ जीनस, ये किसका है, जीनस का है, और दूसरे जो यहाँ पे ये दो लेटर जो लिए गए हैं दैट इज ऑफ स्पीशी, ये किसके हैं, स्पीशीज के हैं। तो इस वजह से हम इसे टैक कहते हैं, बिकॉज ये पहला जो है ये जीनस से है और दूसरे दो लेटर जो लिए गए हैं वो इसके स्पीशीज से लिए गए हैं। ये टैक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया हैं तो हॉट स्प्रिंग्स में हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो होते हैं वो 120 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, तो इनसे हम इनको क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। सो दैट्स वाई ये बैक्टीरिया ये एंजाइम जो होता है ये हीट इनसेंसिटिव होता है और ये इतने टेम्परेचर पर वर्किंग कर सकता है। स्टूडेंट्स रीज़न जानना चाहेंगे कि इतने टेम्परेचर पर ये प्रोटीन एंजाइम जो है ये कैसे स्टेबल है। तो स्टूडेंट यू नो दैट कि एंजाइम्स जितने भी होते हैं ये इन नेचर कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर ये डाइसल्फाइड ब्रिड्स या बॉन्ड्स आप कह सकते हैं, इनका नंबर जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई दे कैन रिमेन स्टेबल। इसके अलावा भी रीजंस हो सकती हैं, बट दिस इज़ द मेन थिंग दैट कि ये जो प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सो ये एंजाइम जो है इसमें क्या कर सकता है, स्टेबल रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो थर्मोसाइक्लर, बट बिफोर दिस वी आर गोइंग टू से दैट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ प्राइमर्स। वो क्या होते हैं, प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्राइमर्स। स्टूडेंट ये प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी एनटीपीज कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट ये लिखने का मतलब ये है कि ये जो प्राइमर है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, इसकी नेचर कैसी है, डीएनए है, और ये होता कैसे है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि एक ही स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होते हैं, एंड दिस सीक्वेंस इज कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और इसकी जो लेंथ होती है, अच्छा किसकी कंप्लीमेंट्री होती है, दैट इज टू ईदर साइड ऑफ द डीएनए, डीएनए की कोई सी भी साइड्स की जो कि हमने कॉपी करना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जीन कह सकते हैं, उसकी कोई सी साइड की भी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, एंड दैट कंसिस्ट अपॉन 20 न्यूक्लियोटाइड्स। ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगी, 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगी, न्यूक्लियोटाइड्स, इसे हम एनटी भी समटाइम लिख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो भी कंसिडर होता है। ये भी एक एमसीक्यू है कि इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, तो वो भी हम जानते हैं कि दैट इज ऑफ डीएनए, ये इन नेचर कैसा होता है, डीएनए होता है, तो ये रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट्स इसकी दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स जो है वो हम कहते हैं मौजूद होती है। द वन इज दैट, एक जो होती है वो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड प्राइमर होती है, और एक कौन सी होती है, रिवर्स प्राइमर होती है, यानी कि रिवर्स प्राइमर, और दूसरी जो इसकी टाइप है वो कौन सी है, फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। ये दो तरह के प्राइमर जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर। अब देखिए रिवर्स और फॉरवर्ड दो तरह के प्राइमर्स हैं जो यहाँ पे हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट ये रिवर्स फॉरवर्ड प्राइमर रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, बिकॉज दिस डीएनए this DNA polymerase cannot synthesize replication or the duplication polymerization on its own। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज वाई वी नीड, इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, बिकॉज डी एन ए पॉलीमरेज जो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं जिसका नाम टैक DNA polymerase है, कैन नॉट इनिशिएट, ये इनिशिएट नहीं कर सकता एक्सटेंशन और पोलीमराइजेशन ऑफ ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। इस डीएनए की पॉलीमराइजेशन जो है उसको रिप्रेजेंट या शो आगे ऐड नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई वी नीड प्राइमर, इसलिए हमें प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं। स्टूडेंट इसमें एक और चीज़ जो है हमें रिक्वायर्ड होती है, दैट इज थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर बेसिकली एक मशीन का नाम है जिसे हम पीसीआर मशीन भी कहते हैं। पीसीआर मशीन, ये मशीन हमें रिक्वायर्ड होती है। इस मशीन में ही तो हम परफॉर्म करते हैं, बाकी ऑपरेटर्स तो आप जानते हैं कि उसमें माइक्रोपाइपेट रिक्वायर्ड होती हैं, पीसीआर ट्यूब्स रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये थर्मोसाइक्लर वो मशीन होती है जिसके अंदर हम ये सारे ऑपरेटर्स को यूटिलाइज करते हुए हम उसके थ्रू जो है ये काम परफॉर्म करवाते हैं। स्टूडेंट अभी जो हमने डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि पीसीआर को डिस्कवर किसने किया, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने कॉपी करना है, dNTPs रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हमने कहा कि इसमें पीसीआर बफर रिक्वायर्ड है। नंबर 4 पे इसमें जो टैग पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। नंबर 5 पे जो इसमें रिक्वायर्ड है वो पीसीआर प्राइमर्स होते हैं। और नंबर 6 पे जो है वो हमने थर्मोसाइक्लर मशीन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स ये एक पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कितने मिनट्स में कंप्लीट होता है, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, इन तमाम को हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे पीसीआर, और पीसीआर में हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा, डिफाइन किया। अभी हम इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है स्टूडेंट, इसके प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले जो हम कह सकते हैं वो है डीनेचुरेशन, यानी कि इसका जो पहला पार्ट है या पहला स्टेप है दैट इज डीनेचुरेशन। स्टूडेंट डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, हम हीट यूज़ करते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं। एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट अबाउट डीनेचुरेशन करने के लिए, दैट इज़ 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस। अब इतने टेम्परेचर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक डीएनए का सेगमेंट है विच इज़ गोइंग टू बी कॉपीड, जिसको हम टारगेटेड कह सकते हैं या जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, दैट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। इसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका एक एंड 5' to 3' है, दूसरा एंड इसके ऑपोजिट होगा 5' और इस तरफ क्या होगा 3'। तो एक दूसरे के ऑपोजिट एंड जो हैं ये मौजूद होते हैं। अब ये डबल स्ट्रैंडेड है, दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट, हम इसे सेपरेट करते हैं और सेपरेट जो किया गया तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड हमने इसको बना दिया, यानी कि ये एक दूसरे से क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिए। जब एक दूसरे से सेपरेट कर दिए तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज डीनेचुरेशन। जो एक हम कहते हैं 5' to 3' था, सेम ये 5' to 3' स्ट्रैंड मौजूद है। ये जो 94 डिग्री सेल्सियस पे किया है ये हम कहते हैं जस्ट एंड ओनली फॉर 1 मिनट है। तो इसके लिए जो हम टाइम ड्यूरेशन जो हम यूज़ करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं जो टाइम हम इसमें लगता है दैट इज ओनली 1 मिनट। ये 1 मिनट है। तो 1 मिनट के अंदर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर चुके हैं और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रोसेस का सेकंड स्टेप, द सेकंड स्टेप इज नोन एज अनीलिंग। सेकंड स्टेप इज नोन एज अनीलिंग, या फिर हम इसको कूलिंग भी कहते हैं कि हम इसमें कूल आउट करते हैं। स्टूडेंट अनिलिंग का मतलब ये है कि जो प्राइमर होते हैं, जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स होते हैं, दिस बाइंड टू डीएनए, ये इस डीएनए के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। स्टूडेंट जब ये इस डीएनए के साथ बाइंड करते हैं तो इसमें इस वक्त जो हीट या टेम्परेचर हम रखते हैं, हीट होती है दैट इज अबाउट 54 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए जो हम टाइम ड्यूरेशन यानी कि जो टाइम हम ले रहे हैं दैट इज अबाउट 1.5 मिनट, यानी कि ये जो टाइम है ये कितना होगा, 1.5 मिनट्स जो हैं वो इसमें टाइम हम लेते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि इसमें जब ये प्राइमर बाइंड करते हैं तो ये डीएनए तो वैसे है, ठीक है, इससे हम नेक्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से मौजूद है, ठीक है, इसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इसमें एक एंड जो है वो 3' एंड है, दूसरा एंड कौन सा है, 5' एंड है, इस तरफ 3' एंड होगा और इस तरफ कौन सा होगा, 5' एंड जो है वो मौजूद होगा। स्टूडेंट देखिए जब प्राइमर बाइंड करता है तो प्राइमर कैसे बाइंड करता है, स्टूडेंट यहाँ पे प्राइमर बाइंड करता है तो वो बाइंड करेगा इसके उस एंड पर जहाँ से हम कह सकते हैं इसकी सिंथेसिस डायरेक्शन होगी। ऑलवेज सिंथेसिस डायरेक्शन जो है वो 5' to 3' होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक प्राइमर बाइंड करेगा इस तरह से, दैट इज 5', दैट इज 3', ये वाला जो एंड है वो कैसा होगा, 3', और ये वाला एंड है ये कौन सा होगा, 5'। ये प्राइमर की बात मैं कर रहा हूँ। सेम एज इज एक प्राइमर इधर बाइंड कर जाएगा, ये जो एंड है इसका 5', ये वाला एंड कौन सा होगा, 3'। स्टूडेंट इस तरह से अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो इसमें फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड कर चुका है और इसकी बात करें इसमें रिवर्स प्राइमर जो है वो बाइंड कर चुका है, यानी कि यहाँ से 5' to 3' की तरफ डायरेक्शन होगी। सेम यहाँ से भी वही डायरेक्शन होगी जो नॉर्मल रेप्लिकेशन के सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है। तो अब ये जो सिंथेसिस करेंगे ये 5' to 3', ये भी 5' to 3', दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, एंड ये प्राइमर बाइंड किए हैं। स्टूडेंट्स क्या बाइंड किया है, प्राइमर बाइंड किया है। ये जो है इसमें प्राइमर्स जो हैं ये बाइंड किए हैं। तो अब प्राइमर बाइंड करेंगे तो ये मेथड क्या कहलाएगा, दिस स्टेप इज नॉन एज एनीलिंग एंड दैट इज जस्ट ओनली फॉर 1.5 मिनट, ये 1.5 मिनट के लिए होगा। जब प्राइमर बाइंड कर जाएंगे तो तीसरा स्टेप होता है, दैट स्टेप इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन, या फिर हम इसे एक्सटेंशन के नाम से भी मेंशन करते हैं, या फिर हम इसे एक्सटेंशन के नाम से भी मेंशन करते हैं। स्टूडेंट पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन जो है इसमें हम कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज दैट ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड या बेसिस भी कह सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा। और इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हीट होगी या टेम्परेचर होगा, हीट या टेम्परेचर दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए जो टाइम पीरियड हम कंज्यूम करते हैं या जो टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है ओनली 2 मिनट्स हम कह सकते हैं। इसके लिए जो टाइम होता है दैट इज़ ओनली 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट्स हम कह सकते हैं इसमें होते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसकी बात करेंगे थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होगी, एंजाइम बाइंड करेंगे, एंजाइम बाइंड करेंगे तो पॉलीमराइजेशन होगी। तो एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड जो हैं वो बेसिकली बन चुके होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रैंड ये है, अब इस स्ट्रैंड में इसकी जो एंड है 5', ये वाला एंड कौन सा था, 3', 5', ये कौन सा है, 3'। तो इस तरह से ये जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद हैं, इनकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं लाइक दिस वन, ठीक है। अब देखिए जब इसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस, तो सिंथेसिस में छोटे छोटे प्राइमर तो लगे हुए हैं, यहाँ पे हमने कहा कि प्राइमर्स भी मौजूद थे। एक प्राइमर जो है वो यहाँ पे 5' था, सेम एज इज यहाँ पे भी 5' प्राइमर था, लेकिन उसके बाद जब एक्सटेंशन होती है ये कम्प्लीटली आगे डेवलप हो चुकी होती हैं, इस तरह से कम्प्लीटली इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन चुकी होती हैं। और ये 3 प्राइम एंड हो जाता है, सेम ये भी कौन से एंड हो जाता है, 3 प्राइम एंड जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से ये एक एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाते हैं, 2 डीएनए जो है वो बन जाते हैं। दैट इज इन 1 साइकिल, ये एक साइकिल में है। अब नेक्स्ट साइकिल अगर हमने रन करना है तो ये सेम यही प्रोसेस क्या होगा, अगेन रिपीट होगा। ठीक है, हम कहते हैं ये 2 डीएनए से आगे कितने बनेंगे, 4 डीएनए डेवलप होंगे। तो यहाँ पे जो इस तरह से आगे चलता जाएगा ये साइक्लिंग प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो उस इसलिए हम उस मशीन को भी थर्मोसाइक्लर कहते हैं। थर्मो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीट, ये जो हीट होती है पहले यहाँ पे हमने 94 की, फिर कितनी होती है 54, फिर हमने कितनी की 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट को हमने एक चेंज किया और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया, और ये फिर साइक्लिक एक्टिविटी जो है ये चलती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और ये हमने एक बात की है PCR की, कि PCR जो है वो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर रहा होता है। स्टूडेंट, इसमें जो ग्रोथ रेट होती है इसकी, यानी कि हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कैसी होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो होती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 2 पावर n, और इसमें जो n है दैट इज नंबर ऑफ साइकिल, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स, ये साइकिल्स का नंबर है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि एक साइकिल है तो कितनी कॉपीज बनेंगी, इन अ 1 साइकिल दैट विल प्रोड्यूस ओनली 2 कॉपीज। ठीक है, इन अ 2 साइकिल्स इट विल प्रोड्यूस 4 कॉपीज। इस तरह से ऑनवर्ड जितने भी साइकिल्स होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 साइकिल की बात करें तो 2, 2 साइकिल की बात करें तो 4, 3 साइकिल की बात करें तो 8, इस तरह से 4 साइकिल्स की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 16 ऑनवर्ड। जितने साइकिल हम यहाँ पे ज़्यादा रन करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज़ भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है वो इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड हम क्या कर सकते हैं, इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या फिर हम PCR को रिप्लेस कर सकते हैं विद रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? तो आंसर है नो, हम नहीं कर सकते। Why we cannot replace PCR with recombinant DNA technology? The reason behind, we can compare here, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों का comparison कर सकते हैं। तो जब हम comparison करते हैं दोनों का, तो हमें इसके बाद का वाजे difference पता चल जाता है। एक side पे हमने PCR लिखा, दूसरी side पे हम recombinant DNA technology की बात लिखेंगे। ठीक है, जो इसमें प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, इनमें से जो PCR है ये हम कहते हैं कि हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, दैट इज इन विट्रो, लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जबकि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है ये हम कह सकते हैं इन वीवो होता है, बैक्टीरिया के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होगा। दूसरा हम कहते हैं PCR जो है इसमें हम जो एज प्राइमर यूज़ करते हैं वो DNA प्राइमर यूज़ करते हैं, DNA प्राइमर यूज़ करते हैं। जबकि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर कैसा प्राइमर होता है, RNA प्राइमर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। PCR जो है इसमें हम बात करें तो हम लेस नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है वो ऑब्टेन करते हैं, लेस कॉपीज़ जो है वो ऑब्टेन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, and that is going to utilize for more number of copies. इससे हम ज़्यादा number of copies जो हैं वो obtain कर सकते हैं। Student, जो PCR है इसमें हम कह सकते हैं no protein formation, इसमें प्रोटीन नहीं बन सकती, इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं बन सकती। इसमें हम देखें तो प्रोटीन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन सकती है, हम कह सकते हैं प्रोटीन as being product develop हो सकती है, प्रोड्यूस होती हैं। जबकि इसमें PCR में हम ये काम नहीं कर सकते, वी आर अनएबल टू डू इट, हम ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते PCR के अंदर। स्टूडेंट, अब इन डिफरेंसेस को देखा जाए जैसे कि ये हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता, या फिर ऐसे कह सकते हैं नो जीन एक्सप्रेशन, इसमें जीन एक्सप्रेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो एक ग्लास के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो अब इस वजह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा, जब हमें लार्ज नंबर रिक्वायर्ड है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं किस चीज़ की, जीन्स की कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो फिर भी हम कौन से यूटिलाइज़ करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो है वो इसमें बन सकते हैं। लाइक दैट, इसमें ये टाइम पीरियड जो है पूछा जा सकता है, ये टाइम पीरियड एक एमसीक्यू के तौर पे हो सकता है। सेम यहाँ पे ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है, इसमें ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। अब देखें ये जो इसके स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इनके साइकिलिंग का रिपीट होना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है, कितनी इतना टाइम हो तो इस तरह से हो। हाँ, टाइम पीरियड की बात स्टूडेंट की जाए तो वन साइकिल जो है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इनटू 1, 1.5, 2.5, 2.5 एंड 2, इनको हम कंप्लीट करें तो 4.5 मिनट्स के अंदर एक साइकिल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरह से दो साइकिल्स कितने मिनट्स में कंप्लीट होंगे, जाहिर सी बात है 9 मिनट्स में। इस तरह से ऑनवर्ड टाइम कैलकुलेशन की मदद से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ एंड लेबल द प्रोसेस ऑफ द पीसीआर, पीसीआर का जो प्रोसेस है उसको आपने क्या करना है, ड्रॉ एंड लेबल करना है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कंपेयर्स द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद पीसीआर, और यू कैन से दैट कैन वी रिप्लेस recombinant DNA technology with the PCR, तो इसका मतलब है no we cannot, because there are some further benefits of the recombinant DNA technology which is not present in the PCR, जो कि PCR में मौजूद नहीं होते। और ये हम normally PCR जो है ये normally एक common labs के अंदर एक common instrument जो है वो ये मौजूद होता है और ये हम perform करते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम डायग्नोसिस के पर्पज़ के लिए, बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तमाम जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज़ के लिए जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और वैसे जीन सीक्वेंसिंग या इस तरह से वर्किंग करनी हो तो हम पीसीआर जो है उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट के सिंथेसिस डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी होती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सिंथेसिस डायरेक्शन ऑलवेज 5' to 3' सिंथेसिस डायरेक्शन जो है ये होती है। और तमाम जितने भी हम बात करेंगे डायरेक्शन जो होगी सिंथेसिस वो क्या होगी, 5' to 3' इसके सिंथेसिस डायरेक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने बाइंड करवाया है 5' to 3' इसके सिंथेसिस हो रही है। एक और एमसीक्यू हो सकता है कि एट विच एंड ऑफ द डीएनए, कौन सा डीएनए का एंड है जहाँ पे प्राइमर बाइंड करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 3' एंड है जहाँ पे क्या करेगा, प्राइमर बाइंड करेगा। तो सेम एज इज यहाँ पे भी 3' एंड है जहाँ पे प्राइमर बाइंड करेगा। ये भी इसमें एमसीक्यू में आता है कि प्राइमर जो हम यूटिलाइज करते हैं उसकी नेचर क्या है, यानी कि उसकी नेचर बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आरएनए है, जबकि पीसीआर में कितनी है, 20 डीएनए है। और एक और चीज़ भी आती है कि पीसीआर में इसकी लेंथ जो होती है वो 20 बेसिस पर मुश्तमिल होती है, जबकि रिकम्बिनेंट में इसकी लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट 10 बेसिस पर जो है वो मुश्तमिल होती है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो इसमें हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पीसीआर समझ आ चुका होगा। आप ये बात समझ चुके हैं कि पीसीआर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस को रीड किया, फिर हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर को आपस में कंपेयर किया। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए एनालिसिस, तो हम उसके अंदर भी पीसीआर और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं। अगर हमारे पास एक स्पेसिमन है, डीएनए है, एंड वांट टू मेक द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इट, देन वी कैन गो फॉर पीसीआर और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम इसकी मदद से उसकी कॉपीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक डीएनए एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।